हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सोशल सर्वे की बात करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सबसे पहले ली प्ले और उनके साथियों ने सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। हालांकि इसमें वैज्ञानिकता और वैसायिकता का अभाव था और सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे शब्द का ही हिंदी रूप है। सर्वे शब्द दो विभिन्न स्थानों के शब्दों को मिलाकर बनाया गया। पहला शब्द है सर्व, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और दूसरा है वेयर, VEER, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। दोनों का अर्थ है ऊपर तथा देखना। इस प्रकार सर्वे शब्द का अर्थ है ऊपर देखना, टू लुक ओवर। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार एक समुदाय से संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष के संबंध में व्यवस्थित और पूर्ण तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण का नाम ही सर्वेक्षण है। तो एक्चुअली वास्तविक सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक अवलोकन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो विशेष समुदाय या उसके एक पहलू का अध्ययन करता है और तथ्यों का संकलन करता है। कुछ वैज्ञानिकों की राय मैं देखता हूँ, बोगार्डस कहते हैं विस्तृत अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी विशेष समुदाय के लोगों के जीवन और कार्य की दशाओं से संबद्ध तथ्यों का संकलन करना है। इसका मतलब क्या है कि एक खास समुदाय के बारे में जब हम सोशल सर्वे करते हैं, किसी खास क्षेत्र के बारे में, मान लिया देहरादून के लोगों का हमको सर्वे करना है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन जानना है, या कोई खास चीज़ जानना है कि यहाँ जॉब कितने हैं लोगों के पास और सर्वे करना है, दिल्ली के लोगों का करना है, स्पेशल खास कम्युनिटी का, तो ये वहाँ पर लागू होता है। तो बोगार्डस को आप देख लीजिए, बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है, ए सोशल सर्वे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा कंसर्निंग द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ पीपल इन ए गिवन कम्युनिटी। तो ये है। और एक और वैज्ञानिक की राय देख लेते हैं। हैरिसन का कहना है सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयत्न है जिसके अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक दशाओं तथा समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, एक विशेष क्षेत्र में सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन है। तो सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता देख लेते हैं और सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य देख लेंगे। लिमिटेशन ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण के महत्व को हम समझेंगे। और सामाजिक अनुसंधान और सर्वे में आपको पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि अंतर ये है कि सामाजिक अनुसंधान भी वैज्ञानिक पद्धति है जबकि सर्वे भी वैज्ञानिक पद्धति है। दोनों में फर्क ये है कि सामाजिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति पर जोर देता है और ज्ञान प्राप्त पर जोर देता है और ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है, जबकि सर्वेक्षण जो है व्यवहारिक है और ज्ञान प्राप्ति के साथ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जोर देता है, यानी अप्लाइड है। सामाजिक अनुसंधान का किसी भी समस्या के समाधान से मतलब नहीं होता बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होता है, और सर्वेक्षण का उस खास कम्युनिटी के प्रॉब्लम के सॉल्व करने पे के जोर दिया जाता है। जैसे किसी समुदाय में शिक्षा का स्तर कम है या किसी क्षेत्र में सपोज के कोई गांव है, उस गांव में शिक्षा का स्तर कम है, तो पता करना है कि शिक्षा का स्तर कम क्या है, तो वहाँ के डेटा कलेक्शन करना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है, किस प्रकार के लोग हैं, धार्मिक हैं, किस धर्म के लोग हैं, क्या है,
इस तरह फोकस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि वहाँ शिक्षा का प्रसार हो सके। ये सर्वे है एक्चुअली, और ये क्या कह रहे हैं कि रिसर्च ये है कि उस गांव का स्टडी करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों होता है ऐसा। उसको सॉल्व करना उसमें मकसद नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना मकसद होता है रिसर्च में। तो चलिए सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, सोशल सर्वे इज ए साइंटिफिक मेथड। दूसरा पॉइंट, सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ जनरल सोशल फिनोमेना। जनरल सोशल फिनोमेना का स्टडी किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं कोई स्पेशल नहीं किया जाता, कारण परिणाम को स्पेशली जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डिफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया इसका होता है, सोशल रिसर्च का नहीं होता। सोशल रिसर्च की थ्योरी किसी पे भी लागू हो सकती है। और सहकारी प्रक्रिया, एक कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, इसमें कई लोग मिल करके टीम वर्क काम करते हैं, जबकि सोशल रिसर्च एक व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति करता है। पांचवा पॉइंट, समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार, स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन क्या होता है। और छठा पॉइंट, परिमाणात्मक अध्ययन, क्वांटिटेटिव स्टडी पर जोर दिया जाता है। और सातवां पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण की एक विशेषता कंपैरेटिव स्टडी भी है। और आठवां पॉइंट, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस लाना सामाजिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य जानते हैं, तो सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? सामाजिक पक्षों से संबंधित तथ्य संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू सोशल एस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। और तीसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। चौथा पॉइंट है कार्य कारण संबंध, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और पांचवा पॉइंट है उपकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, फॉर्मुलेट ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और छठा पॉइंट है सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ सोशल थेसिस। तो ये है, और सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है? तो महत्व इसका यह है कि समस्या से प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रॉब्लम। वजह यह है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है तो उसका सोल्यूशन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी। और तीसरा पॉइंट है उपकल्पना के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर वैज्ञानिकता, इसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी होती है। समस्याओं का समाधान एवं पुनर्निर्माण, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सोशल रीऑर्गेनाइजेशन एंड सरल विधि। ये एक सिंपल मेथड है, ज़्यादा इसमें परेशानियां नहीं होती है। सामाजिक समस्याएं की सीमा क्या है, इसके हानियां क्या है, ये भी आप जाइए। सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप है इसका, लिमिटेड एरिया। गरीबी से संबंधित, रिलेटेड टू पॉवर्टी। जनरली देखिएगा गरीबी से संबंधित आंकड़े आते रहते हैं, शिक्षा और गरीबी, गरीबी और आत्महत्या, गरीबी और किसान और गरीब, इन सब पे आंकड़े का संबंध रहता है। विश्वसनीयता में कमी, लैक ऑफ रिलायबिलिटीज, कई बार विश्वसनीय नहीं होता आंकड़े। वर्तमान अध्ययन तक सीमित, लिमिटेड टू इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ये जो है ना हमेशा का ज्ञान नहीं होता, ये बस उसी वक्त के लिए, उस समाधान के लिए एक सर्वे होता है। गहन अध्ययन के योग्य नहीं, नॉट फिट फॉर इंटेंसिव स्टडी, खर्चीली प्रणाली, एक्सपेंसिव स्टडी एंड लैक ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यकरण का अभाव, प्रशिक्षित लोगों की कमी, लैक ऑफ ट्रेंड पर्संस। तो कुल मिलाकर के सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें विशेष
एरिया विशेष क्षेत्र के लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, और कार्य कारण संबंधों को भी जाना जाता है, और उस डेटा को प्राप्त करने के बाद उस समस्या को हल किया जाता है। ये है सर्वेक्षण। तो चलिए, कैसा लगा आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।